चार Yes, good morning all. Thank you so much. First, I want to give a gratitude to Dr. Somu Singh for inviting me on this online mode lecture. Thank you so much, Dr. Somu Singh. Good morning all. Today we are going to talk about learning and cognition in present situation or in present scenario. Before starting my class, I would like to start today's discussion with a small story. So, ये जो कहानी है, ये कहानी एक जंगल की है, जहाँ पे काफी अलग-अलग भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं. वहाँ पे बदक हैं, वहाँ पे गिलहरी है, वहाँ पे तोता है, वहाँ पे बाज है, वहाँ पे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं. उस जंगल में एक बहुत ही अच्छा स्कूल भी है. तो जब भी स्कूल स्टार्ट होता है, तो टीचर्स ने अपना एक करिकुलम बनाया है, एक अपना सिलेबस बनाया है, और उस करिकुलम और सिलेबस में उन्होंने कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए हैं. अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बाकी के प्राणियों को पता नहीं होते, तो वो अपना एडमिशन कराने जाते हैं. तो सबसे पहले जाता है बदक. बदक जैसे ही स्कूल में जाता है, तो टीचर कहता है कि देखो भाई बदक, यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा. आपकी यहाँ पे एक मंथ ईयर एंड के बाद एक एग्ज़ाम भी होगी, जिस एग्ज़ाम में आपको इवैल्यूएट किया जाएगा. तो उस एग्ज़ाम में आपको तीन स्किल क्लियर करने हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है उड़ना, दूसरा है तैरना और तीसरा है दौड़ना. तो अगर आप ये तीन स्किल क्लियर करो, तो ही आपको अगले क्लास में प्रमोशन मिलेगा, या फिर अगले क्लास में जाने के लिए आप पात्र रहोगे. तो बदक कहता है, ये तो काफ़ी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे उड़ सकता हूँ? मैं मैक्स टू मैक्स तैर सकता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा चल सकता हूँ, मैं दौड़ भी नहीं सकता. तो टीचर कहते हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो बदक, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास ली जाएगी, आपको प्रॉपर एक ट्रेनर दिया जाएगा, जो आपको दौड़ने और उड़ने के लिए ट्रेन करे. तो बदक बेचारा हामी भर के उस स्कूल में एडमिशन ले लेता है, और कैसे कैसे करके पूरे साल प्रैक्टिस करता है केवल उड़ने की और बहुत फास्ट दौड़ने की. जैसे तैसे जो उसको आता होता है तैरना, वो भी वो भूल जाता है, और कैसे कैसे करके वो दौड़ने में कुछ नंबर पा लेता है, लेकिन उड़ने की कोशिश करके उसमें नाकाम होता है. उसके बाद वहाँ पे आती है गिलहरी. गिलहरी काफ़ी एक्टिव होती हैं, बहुत ही फास्ट काम करने वाली होती है, लेकिन टीचर्स के जो रूल्स होते हैं कि दौड़ना, उड़ना और तैरना, तो कहती है, सर मैं पेड़ पे चढ़ भी सकती हूँ, तो क्या चलेगा मैं पेड़ पे चढ़ के वहाँ से जंप करूँ? तो टीचर कहते हैं, ये क्या उड़ना हुआ? आपको नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना, आपको उड़ना मतलब ज़मीन से आसमान में छलांग लगानी है. हम आपकी जो जंप होगी, आपने जो जंप ली होगी पेड़ से ज़मीन पर, हम उसको एज अ उड़ना कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप तो वैसे ही फेल हो जाओगी. बिचारी गिलहरी कैसे कैसे करके टीचर को मनाने की कोशिश करते, लेकिन टीचर अपने जो रूल्स सेट होते हैं उससे बिल्कुल हिलते डुलते नहीं. फिर वहाँ पे आता है तोता, अपनी बहुत मीठी मीठी आवाज़ में बताता है कि मैं ये बोल सकता हूँ, वो बोल सकता हूँ, ये गा सकता हूँ, और बहुत अच्छा उड़ भी सकता हूँ. टीचर को पता चलता है, ये तो बड़ा बातूनी है, ये तो हमारी बातें सब पूरे जंगल तक फैला देगा, और ये तो हमारे रूल भी फॉलो नहीं करेगा, इसलिए उसको पकड़ के पिंजरे में बंद किया जाता है. फिर वहाँ पे आता है एक बाज, अपने छोटे चूज़े को लेकर, जो अभी अभी अंडे से बाहर निकला होता है. तो वो जो चूज़ा, एकदम छोटू सा चूज़ा लेकर, वो बाज की मम्मी स्कूल में टीचर के पास आती है और कहती है कि भाई, हमें हमारे बच्चे को आपके यहाँ पे स्कूल में दाखिला कराना है, प्लीज़ इसको आपके स्कूल में
आप दाखिल करा लो। तो टीचर कहता है मैडम यहाँ पे ये तीन रूल सेट करने होंगे अगर आपका बाज दौड़ना उड़ना और तैरना जाने। तो बाज की मम्मी बड़ी शौक हो जाती है, कहती है मेरा बच्चा तो तैर नहीं सकता ना ही दौड़ सकता है, वो तो उड़ सकता है। तो वो जैसे ही टीचर की मिशन सुनती है वो तुरंत अपने बेटे को लेकर बहुत ऊपर आकाश में छलांग लगाती है। इतनी ऊंची छलांग इतनी ऊपर उड़ जाती है और वहाँ से उस बच्चे को जो जकड़ के रखा था अपने पंजों में उसको वहाँ से छोड़ देती है। बड़े ऊपर से जब वो अपने बच्चे को छोड़ देती है वैसे ही बेचारा चूजा बच्चा जो अभी अभी जन्मा था वो बड़ा घबरा के कहता है कैसी निर्दयी माँ है, नीचे वाले पंछी भी कहते हैं और भी प्राणी कहते हैं कैसी माँ है इतने ऊपर से बच्चे को छोड़ दिया। और बेचारा चूजा मन में सोचता है अभी कोई भी क्षण में मैं ज़मीन पे टकरा के मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अभी तो मैंने पंख खोलना भी स्टार्ट नहीं किया। और जैसे जैसे वो ज़मीन के पास आना स्टार्ट होता है वैसे ही वो अपनी पंखों में कैसे एक शक्ति लानी स्टार्ट हो जाती है उसकी और वो वहीं से उड़ने की कोशिश करता है, ना ही कोशिश करता लेकिन वो एक और बड़ी तेज़ छलांग आकाश की ओर लगाता है। और तब पता चलता है वो पीछे पीछे अपनी बाज माँ के पीछे जब वो उड़ता है तब उसको और ऊपर से दुनिया बहुत सुंदर बहुत प्यारी और बहुत ही विलोभनीय दिखती है और वो काफ़ी एंजॉय कर करके अपना जो उड़ना है उसको एंजॉय करता है। और टीचर नीचे से देख के एकदम आश्चर्यचकित होते हैं कि ये तो चलना भी नहीं जान रहा था, इसके पंखों में तो जान भी नहीं थी और ये इतनी अच्छे से उड़ रहा है। सो फ्रेंड्स दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी एंड दिस स्टोरी विल रियलाइज यू मेक यू रियलाइज हाउ आर एजुकेशन सिस्टम इज़। सो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह स्ट्रक्चर किया है और उस स्ट्रक्चर में किस तरह हम अपने स्टूडेंट को भी बांधते हैं और इस बांधने की वजह से किस तरह स्टूडेंट क्या सीख पाते हैं। मैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ बीएड एमएड लेवल को और कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेरा स्पेशलाइजेशन है जो मेरे पीएचडी के स्कॉलर्स भी वो ऑप्ट कर रहे हैं। तो जब भी मैं बीएड को पढ़ाती हूँ तो जब स्टूडेंट बीएड में पियाजे पढ़ते हैं, वागोस्की पढ़ते हैं, एरिक्सन पढ़ते हैं, कोलबर्ग पढ़ते हैं और बहुत सारी और भी लर्निंग थियोरीज पढ़ते हैं और जब वो स्कूल में जाते हैं तब वो कहते हैं मैडम, स्कूल से लौटने के बाद कहते हैं मैडम ये तो थियोरीज काफ़ी डिफरेंट हैं, स्कूलों में तो इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस नहीं होता, ये तो काफ़ी डिफरेंट है, हमारे स्कूलों में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे तो काफ़ी अलग है, कोई भी पियाजे को मद्देनज़र रखते हुए नहीं पढ़ाता या वागोस्की की कोऑपरेटिव लर्निंग को कभी हमने देखा नहीं है पढ़ाते और ये काफ़ी मुश्किल है मैम, ये हो ही नहीं सकता, अगर हमने वो थियोरीज से पढ़ाना स्टार्ट किया तो सिलेबस तो इनकम्प्लीट ही रहेगा और स्टूडेंट इतने सारे हैं क्या हम उनको सच्ची में कोऑपरेटिव लर्निंग से पढ़ा पाएंगे, तो ये काफ़ी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। तो ये तो काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रावर्सी है, एजुकेशन कुछ कहता है और थियोरीज कहती है कुछ और एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ और लाया जाता है। तो क्या हम सच्ची ये जो प्रैक्टिस अब तक करते आए हैं पीढ़ियों से, हम टीचर एजुकेशन में इतनी सारी लर्निंग की थियोरियाँ सीखते आए हैं और बहुत अच्छी लगती हैं जब ये थियोरीज हम सीखते हैं क्लास में पढ़ाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम ये थियोरीज एक्चुअल प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्या हम उसको सच में पॉसिबल कर पाएंगे, यही एक बड़ा चैलेंज है और वो करते समय हमें काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इन अ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो जब हम ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें और अगर हम आज के कंडीशन की बात करें प्री करोना या पोस्ट करोना एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें लर्निंग काफ़ी अलग होने वाली है। जैसे अभी काफ़ी ई लर्निंग, एम लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप क्लासरूम, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, अवतार, क्लिकर्स, यूट्यूब और सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड रूरल स्टूडेंट्स के लिए, हाँ ये सब चीज़ें एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होगी और रूरल स्टूडेंट्स के लिए टेलीविजन का माध्यम होगा जिसमें
हम टेलीविजन के द्वारा उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसमें जब हम पहुंच रहे हैं तो ये लर्निंग किस तरह की हो रही है, ये जो लर्निंग हो रही है ये लर्निंग हम किस तरह की लर्निंग कर रहे हैं। अगर ई लर्निंग के माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं तो हम B.F. स्किनर को फॉलो कर रहे हैं, उसकी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फ्लिप क्लासरूम को अगर यूज़ करें या ब्लेंडेड क्लासरूम का अगर हम यूज़ करें तो कहाँ हम उनके अंडरस्टैंडिंग तक पहुँच रहे हैं, कहाँ हम उनके कॉग्निशन तक पहुँच रहे हैं। तो आज की चर्चा इसी भाग पे निर्भर है। तो ये जो प्रश्न है क्यों हमने जब B.Ed. किया, हमने जब M.Ed. किया, इतनी सारी चीज़ें सीखी, लेकिन जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, एक्चुअल स्कूलों में जब पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तब ना ही हम उसमें की कोई थ्योरी यूज़ कर पाते, तो क्यों हम यहाँ पे असफल रह रहे हैं। तो ये जो कॉग्निशन है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या हम एक छोटा प्रयास कर सकते हैं जिसके द्वारा हमारी लर्निंग और हम सरल बना सकते हैं। तो ये जो कॉग्निशन है, ये कॉग्निशन काफ़ी चीज़ों का मिलके बना है, लाइक अटेंशन। स्टूडेंट अटेंशन देते हैं, नहीं देते। स्टूडेंट का अटेंशन तब भी होता है जब एग्ज़ाम होता है, काफ़ी सिलेक्टिव अटेंशन होता है। स्टूडेंट तब तक नहीं पढ़ते जब तक टेस्ट नहीं उनको बताई जाएगी कि हाँ कल टेस्ट है, तब जाकर कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उनके परसेप्शन किस तरह हम डेवलप करते हैं, परसेप्शन वैसे ही डेवलप होते हैं जैसे कंटेंट आपके बुक में दिया गया है। मेमोरी को और डेवलप करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों को यूज़ करते हैं, किस तरह उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लेकर उनकी सेंसरी मेमोरी और प्लस उसको हम वर्किंग मेमोरी से लेकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में तो हमारे पता नहीं भारत में कितने सारे रिसर्च भी हो चुके हैं, लेकिन क्या हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमारी क्लास में कभी यूज़ करने की कोशिश की है? क्या हमने डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग केवल स्टूडेंट्स को पेडागोजी में ही पढ़ाई है? लैंग्वेज एक्विजिशंस, जब कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है तब उसको कितनी समस्याएं आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्थ इंडिया की ही एक उदाहरण ले ले तो इन दिस नॉर्थ इंडिया वी हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट स्टेट इन विच डिफरेंट लैंग्वेज दोस स्टेट्स आर स्पोकन और स्पीकिंग। सो राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी, गुजरात में बोली जाती होगी गुजराती, और उत्तराखंड में अपनी उत्तराखंड की और भाषा, यूपी बिहार में कुछ और भाषा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी भाषा, अवधी, मगधी और बहुत सारी भाषाएँ अपनी अपनी भाषाओं में बोली जाती हैं, लेकिन एजुकेशन दिया जाता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है हिंदी या अंग्रेज़ी। तो घर में कोई और भाषा बोली जाती है, स्कूल में कोई और भाषा बोली जाती है, तो उसमें नॉम चॉम्स्की कुछ कहे या स्टीवन पिंकर कुछ कहे या जेरोम ब्रूनर कुछ कहे या कैथरीन, क्या हम उनकी कही हुई बात को लैंग्वेज सीखने पाते? हमें उसका भी उत्तर लेना है आज के इस कम्युनिकेशन से। तो ये सब चीज़ों के साथ साथ हम बात करेंगे कि कहाँ पे ये जो थ्योरी और प्रैक्टिस में मिसमैच हो रहा है। थ्योरीज, इतनी सारी थ्योरीज हमने पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिस करते समय कहाँ पे इसका मिसमैच हो रहा है, क्यों हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, क्यों हमारे छात्र डिसीजन मेकिंग में अनकंफर्टेबल होते हैं, क्यों उन्हें हमारी हेल्प लेनी होती है। तो एक छोटा सा एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। रिसेल नाम का एक पर्सन है जो अपनी क्लास लेना चाह रहा है, वो हमारी तरह एक टीचर है। उसके साथ उस जब क्लास लेना चाह रहा है तब उसके साथ वो क्लास लेते समय उसके पास बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं कि मुझे इस क्लास ये क्लास लेनी है। प्लस उसका एक फ्रेंड उसको फ़ोन करके बोलता है भाई तुमने मेरी किताब ली थी, आते समय मुझे ये किताब लौटा देना। उसका कोई और एक फ्रेंड बोलता है तुमने आज प्रॉमिस किया था, आज फ्राइडे है तो शाम को हम टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। कोई स्टूडेंट उसको कहता है सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज़ मुझे कुछ समय देना और मुझे आपसे ये पॉइंट समझ के लेना है आफ्टर दिस क्लास। सो देर आर मेनी 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 थिंग्स हैपनिंग। सो इन दैट केस अगर उसके दिमाग में ये सब चीज़ें भी चल रही है प्लस साथ में क्लास भी लेना है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसके दिमाग में ये जो चीज़ें चल रही है, उसके कॉग्निशन में इतनी सारी चीज़ें चल रही है,
उस समय वो किस तरह डिसीजन ले रहा है, वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, वो कौन से मैसेज को जवाब दे रहा है, कौन सी चीज़ें किसको किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, क्या उसकी रीडिंग सफिशिएंट है आज की उसकी क्लास लेने के लिए, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना ही केवल रसेल के माइंड में चलती हैं बल्कि हम सबके माइंड में भी चलती है और साथ में हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में ही भी चलती हैं। तो जॉन लॉक ने जो कहा था कि भाई ये बच्चा जो है एक एक घड़ा की तरह है या एक स्पंज की तरह है, हमें उसमें चीज़ें भरनी है, तो वहाँ से लेकर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जहाँ पे ख़त्म होता है और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब लैंग्वेज में नॉम चॉम्स्की ने बी एफ स्किनर को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई भारत में ही नहीं पूरे देश भर में, तब जाकर ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने जन्म लिया। लेकिन ये जो साइकोलॉजी ने जन्म लिया वो साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल यूज़ में हुई, वो साइकोलॉजी हमने काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए यूज़ कही कि उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी यूज़ की, हमने मशीन लर्निंग तक हम पहुंच गए, लेकिन क्लासरूम में हमने ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को का अच्छे से समझा, ना ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को हमने एक्चुअल प्रैक्टिस में उस तरह से लाया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था नॉम चॉम्स्की का लैंग्वेज सीखने का ज़रिया यूज़ करना। तो उसमें हम क्या कर पाएंगे, किस तरह से हम उसको यूज़ कर पाएंगे, तो उस लिए हम उसके लिए हमने कुछ स्ट्रैटेजीज भी डेवलप की हैं। लेकिन जब हम वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तब हम कहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्यों नहीं हम 60 स्टूडेंट के क्लास में भी कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ा पाते, क्यों नहीं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिक्स या फिज़िक्स या कोई भी ऐसे हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ाते समय वो चीज़ यूज़ नहीं कर पाते, क्यों ना हम पियाजे की थ्योरी केवल उसके स्टेजेस तक ही लिमिट कर पाते हैं, क्यों नहीं हम एपिस्टेमोलॉजी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे हम क्यों नहीं आज तक बात कर पाते। तो ये जो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पियाजे ने कही है केवल हम अपने तक भी उसको लिमिट नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स को भी बने बनाए नोट्स चाहिए होते हैं, हमें भी कहीं से अगर कुछ मिल जाए, कहीं से एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, हम उसी को रट लेते हैं, उसी को हम पढ़ लेते हैं और क्लास में जाकर उसी को हम स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं, क्यों नहीं हम उसको अपनी भाषा में अपने अंदाज में थोड़ा क्रिएटिव मोड में डालकर अपना थोड़ा सा फ्लेवर डालकर हम उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की जिसमें हम ई लर्निंग के माध्यम से स्टूडेंट्स तक पहुँचने वाले हैं, तो क्या हम केवल खान एकेडमी पे रिलाई करने वाले हैं या केवल हम ई पाठशाला या एनसीईआरटी में जो भी अभी तक मॉड्यूल बनाए हैं उसी पे निर्भर करने वाले हैं या खुद भी हम कुछ अपना डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जब हम मैं अपने महाराष्ट्र के कोई एक पर्टिकुलर छोटे से गांव के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहूँगी तो मुझे क्या करना होगा, किस माध्यम से उनको पढ़ाना होगा। तो अगर बिहार के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ और वहाँ पे चावल को भात कहा जाता है घर में और स्कूल में उसको धान कहा जाता है, तो स्टूडेंट ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअल मुझे समझना क्या है, एक्चुअल मुझे लिखना क्या है। तो जेरोम ब्रूनर ने यही कहा है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किस तरह स्टूडेंट्स के डेवलप होते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स देकर हम उनके कॉन्सेप्ट फ्रेम करते हैं, तो उसलिए क्या क्या करना चाहिए। सो आज हम कुछ लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल आपने पहले सुनी होगी, बिल्कुल आपने पहले पढ़ी होगी, बिल्कुल आप उसके ऊपर आपने 100 पेजेस का आंसर लिख के आपने मार्क्स भी इकट्ठा किए होंगे या फिर कोई प्रेजेंटेशन में आपने काफ़ी उस पर वाहवाही भी ली होगी, लेकिन जब क्लास में हम उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। हम जब ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन तक पहुँचते हैं, स्टूडेंट को नहीं समझ में आता कि क्यों कैसे हम उसको अप्लाई कर पाए, क्योंकि आज तक की हम उसी तरह कंडीशन हुए हैं, स्टूडेंट्स को उसी तरह या हमारा माइंड भी उसी तरह बना है कि कंडीशनिंग किस तरह की जाएगी, और ये जो कंडीशनिंग किस तरह की जाएगी तो स्टूडेंट काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। जब हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, जब उनको एक हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, जब उनको कोई चीज़ प्रेजेंट करने की, वो कहते हैं मैडम
उसमें कुछ बता दीजिए। जब मैं कहूँगी कि हमें लिखना है कि what was my experience of 90 days in lockdown, so that experience of lockdown in urban area will be something different, वहाँ पे कोई ज़्यादा impact नहीं हुआ है, लेकिन वही impact अगर हम रूरल एरियाज में इम्पैक्ट नहीं हुआ है लेकिन अर्बन एरियाज में इम्पैक्ट हुआ है तो वो काफ़ी बताएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स तो बहुत परेशान हो गए, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए और स्कूल स्टार्ट हो जाए और स्टूडेंट्स अपने अपने स्कूलों में जाना स्टार्ट करें। लेकिन क्या टीचर्स और क्या पेरेंट्स आपस में कोलैबोरेशन करके कुछ इस तरह से चीज़ें बना पा रहे हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स के जो भी नीड है, नीड बेस्ड कुछ चीज़ें ऐसे बना पा रहे हैं जिससे उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो डिमांड है वो फुलफ़िल की जाए। तो क्या हम इस तरह की लर्निंग स्ट्रेटजीज बना पा रहे हैं जिसमें हम बिहेवियर भी चेक करें स्टूडेंट का कॉग्निशन भी चेक करें, स्टूडेंट का कॉग्निशन चेक करते करते हमें थोड़ा मेटाकॉग्निशन पे भी ध्यान देना होगा। मेटाकॉग्निशन क्या चीज़ है वो आगे की डिस्कशन में मैं उसकी चर्चा करूँगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, ना ही स्टूडेंट को बल्कि टीचर्स को भी। किस तरह हम खुद को ही सेल्फ मोटिवेट करें, किस तरह इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हम बनाएं, उसमें हमें इमोशन भी डालना होगा, ना ही केवल कॉग्निशन की बात करके हमें चीज़ों को हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह मेंटल हेल्थ इशूज़ उभर के आ रहा है, स्टूडेंट हो या टीचर्स हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन हो गए हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही है, इतने सारे कॉग्निटिवली बिजी होने के बावजूद डिप्रेशन हावी हो रहा है, तो किस तरह हमें लर्निंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके उसको भी ओवरकम करके मीनिंगफुल लर्निंग यूज़ करनी है विविध माध्यम के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो एक टिपिकल माइंडसेट है, जो हमारा स्टैटिक माइंडसेट है, उसको बदलना होगा। उसके लिए चाहिए तो आप कैरल ड्वेक के कितने ही वीडियोस देख लो जिसमें कैरल ड्वेक ने बताया कि हाउ वी कैन चेंज आर स्टैटिक माइंडसेट टू द डायनामिक और द ग्रोथ माइंडसेट, विच इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं कोई अलग मेथडोलॉजी यूज़ करना चाहूँगी तो सबसे पहले मुझे वो जो एक टिपिकल एक स्ट्रक्चर बना है, एक ढांचा बना है, उसको मुझे तोड़ना होगा। जबकि NCERT का सिलेबस हो या स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस हो, उसी में मैं किस तरह खुद इनोवेशन डालकर उस ढांचे को तोड़ सकती हूँ, कौन से ऐसे लर्निंग स्ट्रेटजीज यूज़ करके मैं जो मेरा कहना है, जो एक्चुअल कंटेंट है, वो स्टूडेंट्स तक एक्चुअल पहुँचा सकती हूँ, जिसमें केवल मेमोराइजेशन ना हो, जिसमें केवल रोट लर्निंग ना हो, जिसमें केवल एक एग्ज़ाम बस देना है, मुझे 100% मार्क्स मिलने हैं, वो नहीं करना हो। तो किस तरह मैं सरफेस लर्निंग से लेकर मैं डीप अप्रोच तक स्टूडेंट्स को पहुंचाऊंगी। सो डीप अप्रोच तक जब पहुंचाना है तो जस्टिफाई, एनालाइज, क्रिटिसाइज, राइट इन योर ओन, इल्यूस्ट्रेट, क्रिएट, इन सबको किस तरह मैं मेरे डायलॉग में या फिर मेरे आंसर में यहाँ पे मैं शामिल करना स्टार्ट करूँगी। किस तरह मैं स्टूडेंट्स को लैटरल थिंकिंग करने पे भी मोटिवेट करूँगी। जैसे आपने देखा होगा लैटरल थिंकिंग का जो निर्माता है एडवर्ड डी बोनो, तो एडवर्ड डी बोनो ने आउट ऑफ द बॉक्स की बात की है। एडवर्ड डी बोनो ने काफ़ी सारी हैट्स दी है जिसमें उन्होंने अलग अलग हैट्स के माध्यम से किस तरह थिंकिंग प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस को हम एजुकेशन में या टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एडवर्ड डी बोनो के लेक्चर्स सुने होंगे यूट्यूब पे, तो उसमें आपने देखा होगा एडवर्ड डी बोनो कोई चीज़ वर्बली नहीं बोलता, हर एक चीज़ को लिख लिख कर, जबकि सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं वो भी उसको लिख कर OHP पे वो प्रोजेक्ट करता है। तो क्यों उसको एज अ लैटरल थिंकिंग, व्हाट इज मीन बाय लैटरल थिंकिंग, व्हाट आई एम वांट टू एक्सप्लेन माय स्टूडेंट, इज दैट द थिंग व्हाट आई वांट टू थिंक, इज दैट द थिंग्स दे आर इवन थिंकिंग विथ मी और दे आर समवेयर एल्स। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो जैसे जॉन डोई ने कहा था उसकी बुक में एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन में,
कि फिर ये थ्योरेटिकल नॉलेज केवल बुक्स में लाइब्रेरीज में ही रहेगा, हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाएंगे, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं होगा जो जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते। तो फिर उसका मतलब क्या है? क्यों नहीं हमारे स्टूडेंट एप्लीकेशन बेस्ड आंसर लिख पाते? क्यों नहीं हमारे स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को उस तरह से समझ पाते? क्यों नहीं हमारे स्टूडेंट उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में ले पाते? तब जब ये बात मैंने केवल बोलने के लिए नहीं, जब मैंने ये बात स्टूडेंट से की, जब उनका लेसन हुआ क्लास में, जब वो लेसन उन्होंने दिए स्कूलों में जाकर, जब उनकी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने लेसन दिए और उन्होंने कहा, मैडम हमने इतनी सारी तैयारी की थी, हमने इतने सारे टीचिंग एड्स लेकर गए थे, लेकिन हमें कुछ चीज़ें दिखाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने इतना अच्छा लेसन प्लान बनाया था लेकिन उस लेसन प्लान के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। कुछ चीज़ें मैंने जब कुछ एक बात कही तो सब साथ में बोलना स्टार्ट हुए, तो जब सब साथ में बोलना स्टार्ट हुए तो मतलब मेरी आवाज़ उन तक पहुँची नहीं, तो जब सब साथ में बोलने के लिए जब मेरी आवाज़ उन तक पहुँची नहीं तो किस तरह, तो मैंने उनको शांत कराया, मैंने कहा कि मैं आपके टीचर को कंप्लेंट कर दूंगी। तो क्या हम सच में पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का ही यूज़ करके क्लासरूम प्रोसेसेस को इफ़ेक्टिव बना पाते हैं या कुछ और इसके लिए करना पड़ेगा? तो उसने नेक्स्ट टाइम वीडियोस लेके गई, उसने काफ़ी अच्छे वीडियोस डाउनलोड किए अलग अलग जहाँ से वो कर पाएगी। उसने काफ़ी अच्छे वीडियोस डाउनलोड करने के बाद उसने जब वो वीडियोस स्टूडेंट्स को दिखाए और उस पर फिर उसने कुछ प्रश्न पूछे, तो सच में उसमें उसको कुछ बदलाव दिखाई दिए। लेकिन उसने वो प्रोसेस 2-3 बार करने के बाद उनको लगा कि मैडम क्या करती हैं, एक बार आकर कुछ वीडियोस दिखाती हैं और फिर उस पर प्रश्न पूछती है, काफ़ी मोनोटोनस हो गया है, एंड देन दे स्टॉप आंसरिंग द क्वेश्चन। सो अगेन शी गॉट विकेट प्रॉब्लम, जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 तक पहुँचे लेकिन लर्निंग 2.0 तक भी नहीं पहुँचे। तो ये जो विकेट प्रॉब्लम है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस विकेट प्रॉब्लम, व्हाट स्ट्रेटजी वी नीड टू यूज इन द प्रेजेंट सिनेरियो, हाउ वी कैन मेक आर ई लर्निंग इवन मोर इफेक्टिव, इज दैट पॉसिबल, कैन वी गो बियॉन्ड द प्रोग्राम लर्निंग, कैन वी गो बियॉन्ड बी एफ स्कीनर the way of punishment and reward, what exactly we can do, how we can add actual engagement of the student, so in that case how we can use the 5E's model in that. So ye jo 5E's model hai, how we are going to engage them, so in that engagement not only with the rehearsal, kyunki jab hum rehearsal ki baat karte hain, hum recall ki baat karte hain, hum jab हाईलाइट कोई चीज़ करने की बात करते हैं, तो आपको भी पता होगा कि एनसीईआरटी का सिलेबस भी यही कहता है कि न्यूज़ जो आपका पेज खुलता है उसमें एक बक्सा दिया जाता है जो कलरफुल होता है, जिसमें एक समराइज़ की हुई चीज़ें होती है। कितने टीचर्स हैं सच्ची में उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी उस तरह की प्रैक्टिस करवाते हैं कि वो भी उसको उतने ही ध्यान से पढ़ें, तो उस प्रैक्टिस की सच्ची में बहुत ज़रूरत है, उस कंडीशनिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक जो टिपिकल एक स्ट्रक्चर बना है उसको हमें तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किस तरह हम उनको एंगेज करते हैं, उस जो एंगेज करते हैं उसमें कितने ज़्यादा हम लाइव एग्जांपल देते हैं जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं। रूरल स्कूल में अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में काफ़ी अर्बन वाले एग्जांपल दिए होंगे या उनके स्टेट का जो टेक्स्ट बुक है उसमें अगर कोई पर्टिकुलर एरिया के एग्जांपल दिए होंगे, तो किस तरह ट्राइबल एरियाज़ के स्टूडेंट्स को मैं उन्हीं के एग्जांपल द्वारा पढ़ा सकती हूँ, किस तरह मैं उनको और ज़्यादा एंगेज कर पाऊँगी, क्योंकि एंगेज नहीं किया तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनको, अगर वो एंगेज ही नहीं हुए मेरे साथ पढ़ने में तो आई विल गेट अ फेल, मैं पूरी तरह से उसमें फेल हो जाऊँगी। मैं कितना भी पॉडकास्टिंग यूज़ करूँ, तो काफ़ी आपने देखा होगा कि टीचर कितने सारे एफर्ट लेते हैं यूट्यूब में वीडियोस बनाने की, लेकिन कितने स्टूडेंट्स हैं उसको सच्ची में बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनके
इंटरेस्ट का कोई पार्ट उसमें होता ही नहीं। अगर केवल ज्ञान दिया जाएगा तो डेफिनेटली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनको सुनने के लिए। वो अगर हमने प्रायर नॉलेज से, उनके प्रायर एक्सपीरियंस से लिंक नहीं किया तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है उनको भी एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें। हम काफ़ी स्टूडेंट्स को चीज़ें बनी बनाई देते हैं क्योंकि वो भी यही चाहते हैं। टीचर नहीं नहीं बताना चाहता तो हम, टीचर नहीं बता रहा है तो हमें, हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं, जैसे रिलायबल है, बहुत सारे गाइड हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक हैं जहाँ पे टिपिकल स्टेप से हम चीज़ों को टिपिकल स्टेप से हम चीज़ों को मतलब उसमें सॉल्व की होती हैं चीज़ें। हम अपने माइंड को उतना मतलब जोर नहीं देना चाहते। तो किस तरह हम स्टूडेंट्स को इन अर्ली स्टेज ही हम उनको किस तरह एंगेज करना स्टार्ट करें और किस तरह हम उनको भी मौका दें, ना ही केवल हम ही बात करें, क्योंकि हमसे ज़्यादा बहुत बार स्टूडेंट खुद भी अपने अनुभव द्वारा चीज़ों को बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं पे वो एक गैप होती है। तो ये चीज़ें हम ऑनलाइन लर्निंग में किस तरह करें, किस तरह हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम उनको मोटिवेट करें, अलॉन्ग विद दैट किस तरह हम स्टूडेंट को चीज़ों को एलैबोरेट करने के लिए मोटिवेट करें। तो ये जो एलैबोरेट करके मोटिवेट करना है तो उसमें किस तरह हम उस चीज़ों को प्रैक्टिस में लाएं। तो क्या हम केवल पियाजे तक ही रुके हैं? क्या हमने पियाजे के आगे जो नियो पियाजेशियन है, काफ़ी लोगों ने, नियो पियाजेशियन ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है और उन्होंने नियो पियाजे को ही अलग तरह से लाने की कोशिश की है, लेकिन हमने जो ऑनलाइन कंटेंट भी बनाया है वो केवल हमारे एसिमिलेशन, हमारा जो स्कीमा है, हमारा जो एकोमोडेशन है, हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको इक्विलिब्रियम करके हमने बनाने की कोशिश की है। हमने कितना ऐसा कंटेंट बनाया है जिसमें हमने ऑटोमेटिसिटी का यूज़ किया है, ऑटोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें कितना समझ में आया है। जब हम कोई गाड़ी सीखते हैं तो गाड़ी सीखते समय हमने कभी म्यूज़िक नहीं सुना, लेकिन जैसे हम एक्सपर्ट हो जाते हैं गाड़ी सीखने में तब उसमें हम म्यूज़िक सुनते सुनते, गाने सुनते सुनते भी ड्राइविंग का आनंद लेते हैं। तो क्या हम ये ऑटोमेटाइजेशन लैंग्वेज एक्विजिशन में यूज़ कर सकते हैं? चौथी कक्षा तक अगर मैंने उनको अक्षरों का से अवगत कराया तो कैन वी यूज़ दैट ऑटोमेटाइजेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द कंटेंट? क्या स्टूडेंट मीनिंगफुल रीडिंग कर रहे हैं? मीनिंगफुल रीडिंग करते समय लैंग्वेज एक्विजिशन किस तरह हो रहा है? आर वी मेकिंग देम प्रैक्टिस ऑफ थिंक अलाउड? आर स्टूडेंट रियली रियली डूइंग देयर ओन रेगुलेशन? वॉट एग्जैक्टली दे आर डूइंग? नो, नहीं करते, क्योंकि हमने ही खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं की। हम इसमें खुद काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं। आज की प्रैक्टिस जो आज के क्लासेस में या कल के क्लासेस में भी होगी, पोस्ट पेंडेमिक भी जो सिचुएशन होगी, कितने लोग हैं जिन्होंने उस बारे में सोचकर सच में उसको अप्लाई करने की कोशिश की है? हम एज एजुकेटर्स या टीचर एजुकेटर्स या उसके पॉलिसी बनाने वालों ने कितना ज़्यादा इनकोडिंग को या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की है? तो सिग्लर ने काफ़ी अच्छे से कहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह हम कर पाएंगे, उसमें इनकोडिंग किस तरह कर पाएंगे। पैरेललोग्राम का एक एग्जांपल है, उसको हमने कितनी बार कहा है कि भाई आप दो तरह से इसको सॉल्व करो, नॉट ओनली विद द वन वे, एंड इन दैट केस डोंट यूज़ योर ओन ब्रेन, यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। तो क्या हमने सच में स्कैफोल्डिंग या हमने जोन या फिर हमने वाइगोस्की का MKO यूज़ किया है? नहीं। तो हमें ये सब करने की ज़रूरत काफ़ी आज के समय में है, और अगर हमने नहीं किया तो जिस तरह से हमने बिहेवियरिस्टिक थ्योरी अब तक पढ़ी, उसी पे हम पढ़ते आए हैं, उसी पे हमने एग्ज़ाम लिखी, और जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में जाते हैं, जब हम एक्चुअल क्लासरूम में जाते हैं तो बस
क्लासरूम में एक एग्जांपल सॉल्व कर दिया, स्टूडेंट ने उसको नोट डाउन कर दिया और फिर दे आर जस्ट इमिटेटिंग दैट. बट इन दैट केस आर वी क्लियरली यूजिंग सोशल कॉग्निशन थ्योरी गिवन बाय बांदुरा? Why not we are just using that? Why we are just keeping till our imitation? So what exactly we are not trying to make them the imitate? If I am solving one example on a blackboard as a teacher for a standard 8, I want to teach them cube and cube. So while teaching cube and cube root, if I am doing think aloud, I am using KWL chart, what exactly I have learned about the cube and cube root in the last standard? वो केवल हमारा हम करते हैं नहीं करते ऐसे नहीं है करते हैं केवल एक छोटा प्रस्तावना करने के लिए लेसन प्लान को और इफेक्टिव बनाने के लिए कोई टीचिंग एड यूज करके. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में why I am not using this KWL chart? Why I am not using actual practice? For that we really need lots of efforts, lots of time we need to spend. फिर हमारा यह भी प्रश्न है कि ये सब करते समय मैडम टीचरों को तो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है केवल पढ़ाने के सिवा, उनके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इतने सारे अगर हम स्ट्रेटजी यूज़ करना स्टार्ट करें तो सिलेबस तो कंप्लीट होने से रहा. इसीलिए ये एक लॉजिक है, ये एक रियलिटी है. इसीलिए कभी भी बीएड की कोई भी लर्निंग थ्योरी टीचर्स अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करता इसलिए क्योंकि उसका कोई उसको वहाँ पे मार्क्स मिलने वाले नहीं होते. हाँ लेकिन कभी जब इंस्पेक्शन होगा तब अगर उसको कोई पॉइंट्स लिख के दिखाने होंगे तो उसमें वो लेसन प्लान बनाने की कोशिश और या ज़रूरत करता है, वो भी एक टिपिकल ढांचा में. कभी वो उसके बियॉन्ड कोई अपनी और क्रिएटिविटी यूज़ करके वो उसमें कहीं और नयापन लाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि हमारा माइंडसेट उसी तरह बना है. मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी और मैंने इसी तरह स्टूडेंट्स को कहा कि मैं इस साल जब पेडागोजी हम पढ़ाते हैं साइंस पेडागोजी स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री जब पढ़ाती हूँ तो मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट अ लेसन प्लान, यू जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, व्हेन यू वांट टू टीच एसिड एंड बेस, हाउ यू आर गोइंग टू टीच इन अ क्लास स्टैंडर्ड 8. सो इफ आई वॉन्ट टू टीच इन स्टैंडर्ड 8 वॉट शुड वी डू? सो यू डोंट वॉन्ट टू राइट इट डाउन दोज थिंग्स ओनली, you should write it down, but along with that you have to present in the front of classroom and everyone will use the same topic but with a different way, you will use your different way of explaining the things. So they are because jaise unhone sikha tha unhone kafi usi tarah present kiya, lekin jab unhone us tarah present kiya to kya humne PCK या PCKT पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, जिस तरह पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में नॉलेज एक्विजिशंस की बात होती है या लैंग्वेज सीखते समय या फिर मैं केमिस्ट्री में कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, जब हम भी बीएड करते हैं एक साल का दो साल का उसमें हमारी काफ़ी सारी भाषा बीएड वाली भाषा यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम जिस तरह अपने आप को बनाते हैं अपना एक माइंडसेट बन जाता है हमारी रोज़मर्रा की जीवन में भी वो सब भाषाएं आ जाती हैं कि मुझे प्लान करना है, मुझे लेसन प्लान करना है, मुझे इसको इस तरह एक्सप्लेन करना है, मुझे इसको इलाबरेट करना है. तो जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में जाते हैं तो वो बड़ा एक गैप फिर से बनता नज़र आता है. तो किस तरह हम उस जो गैप बना है उसको हम निकालें? तो जब मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये उनको पूछा कि किस तरह हम इसको कम कर सकते हैं, किस तरह इस गैप को हम भर सकते हैं, तब जाकर कुछ आइडियाज़ इमर्ज होना स्टार्ट हुए. लेकिन वो आइडियाज़ भी काफ़ी सीमित थे. जब उस पर काफ़ी और काम हुआ तब जाकर उन्होंने इस करना स्टार्ट किया. जब उनको एक्चुअल क्लासरूम में ही पहले साल ही कुछ स्टूडेंट्स को बुलाकर जब उनको पढ़ाने को कहा गया
तब जाकर उन्होंने वहाँ पे एम्फेसाइज़ किया। जब उन्होंने एम्फेसाइज़ किया तब जाकर उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पे डिफाइन की। उस डेफिनेशन क्लैरिटी नहीं थी, उस डेफिनेशंस में भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन हाँ उसमें कहीं पे एक सबको जोड़ने के बाद एक मीनिंग निकल के आ रहा था। तो ये जो हम प्रयास करने जाएंगे क्लासेस में, उस एक रात में कुछ नहीं होगा, उसमें थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा। इसीलिए जब डिज़ाइन थिंकिंग की बात आई, जब डिज़ाइन थिंकिंग या डिज़ाइन करिकुलम की बात आती है या डिज़ाइन रिसर्च की भी बात आती है, क्योंकि उसमें रिकरिंग प्रोसेस होती है, उसको उसको फेल होने के बाद हमें फिर से उसको उसके अंदर बदलाव करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम आज की बात करें तो आज का ज़माना जो टेक्नोलॉजी का है, हमारे यूज़र स्टूडेंट काफ़ी टेक्नो सेवी हैं, तो हमारे यूज़र जो है उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह का हमें इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन बनाना होगा, उस डिज़ाइन को बनाते समय हम किस तरह का उनका थिंकिंग प्रोसेस हम नज़र में रख के हम उसको किस तरह एम्फेसाइज, स्पेसिफिकली किस तरह एम्फेसाइज कर पाते हैं, कितना हम उसको एम्फेसाइज कर पाते हैं। अगर हम अच्छे से एम्फेसाइज कर पाए हैं तभी जाकर हम उनको अच्छे से हम उनको एंगेज कर पाएंगे, तभी जाकर हम उनको एंगेज करने के बाद वो खुद जाकर कुछ उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, तभी जाकर हम उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी, उनके अंदर विजुअलाइजेशन, उनके अंदर पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उनका कोई पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ ही नहीं होता, क्योंकि वो करने की कोई कोशिश हुई नहीं होती, क्योंकि खुद टीचर का भी कोई पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ ही नहीं होता। क्या सारी थियोरी सेम ही है, वही सेम कह रहा है ब्रूनर, वही सेम कह रहा है बेंदुरा, वही सेम कह रहा है वाइगोस्की, वही सेम पियाजे भी कह रहा है, तो मॉरल डेवलपमेंट कॉलबर्ग कह रहा है भी वही बात की, तो इसमें अंतर किया है, किस तरह हम उसमें अंतर करके किस तरह हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को ला पाएंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर एक बार जॉन डोई का एग्जांपल दूंगी कि जॉन डोई ने अपने डेमोक्रेसी वाले बुक में यही कहा कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट इफ़ यू विल टीच एनीथिंग यू विल डेफिनेटली यू विल फेल। तो अगर मैं राजस्थान या उत्तराखंड या बिहार के स्टूडेंट्स को दिल्ली वाला एग्जाम्पल दूंगी तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू रीच विद टूवर्ड्स द स्टूडेंट, वहाँ पे डेफिनेटली मैं फेल हो जाऊँगी। तो व्हाट शुड आई डू, सॉरी, तो उस वो सब करते समय आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज माई स्ट्रैटेजी, आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोइंग टू प्लान द थिंग्स फॉर द We really want to think beyond cognition. We really think beyond how we are thinking. We really think beyond how we are understanding the things. And for that, Jerome Bruner ने काफ़ी पहले कहा था और फिर जो John Flavel ने उसको और अच्छे से coin किया, that concept is metacognition. How we can use this metacognition in our e-learning, how we are using this metacognition when we are podcasting the things, are we using the metacognition when I'm teaching chemistry in my classroom, are we using the way of chemistry teaching in the Royal Society of Chemistry from UK. We are not going to imitate what exactly happening over there, but how we can contextualize the thing in our present situation or in the present context, how we can use the proper language, how, and for that we need to take a lots of effort. हाल ही में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, एक टीचर ने काफ़ी एफर्ट्स लेकर स्टूडेंट तक पहुँचने की कोशिश की थी, घर पर जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उसको यूज़ करके उन्होंने एक वीडियो बनाया और शायद वो मैथ्स ही पढ़ा रही थी। So just see the effort, see the compassion towards the teaching. We really want to not only on the surface level make them understanding, but if our compassion, if we are showing through our teaching, definitely it's going to reach towards our student. And as a researcher, as a teacher educators, we need to really, really work on that.
and how we are going to do that. So are we really using the metacognition? It's really very difficult. It's really very time consuming. It's really very difficult to make them understand how we are going to use this metacognition in our day-to-day classroom. Definitely, जो structure बना है उसको तोड़ना difficult है, लेकिन so क्या हम Ossebel की जो है advanced organized model use करके चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके क्लास में प्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास एक ही क्लास नहीं होती पढ़ाने के लिए, हमारे पास और भी कक्षाएं हैं पढ़ाने के लिए. उसके अलावा जैसे पहले कहा वैसे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पूरी करने के लिए. तो ये जो एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल थोड़ा एफर्ट लेने के बाद किस तरह हम उसको इफ़ेक्टिव बना पाएंगे, तो पॉडकास्ट में भी अगर हम कोई ऑडियो वीडियो जिस जो भी है रिकॉर्ड कर रहे हैं, या हमने ब्लेंडेड का भी यूज़ किया है, या हमने कोई ई कंटेंट भी बनाया है, इन दैट केस हाउ वी आर ऑर्गेनाइज आर कंटेंट, दैट्स रियली वेरी इम्पॉर्टेंट. हाउ वी कैन मेक आर स्टूडेंट थिंक, हाउ वी कैन मेक आर स्टूडेंट रेगुलेट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. हमने कितना कोशिश की है कि हमने स्टूडेंट्स को चीज़ों को खुद रेगुलेट करवाने की. तो ये जब तक रेगुलेशन नहीं होगा तब तक चीज़ों को स्टूडेंट तक उस लेवल तक पहुंचाना, उस इन डेप्थ पहुंचाना, डीप लर्निंग तक पहुंचाना काफ़ी दिक्कतमय होगा. तभी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट IIT तक नहीं पहुंच पाते. सबको कोटा फैक्ट्री का एग्जांपल पता है, सबको पता है कि किस तरह क्लासेस फ्लोट हो रही हैं, किस तरह ट्यूटोरियल हावी हो रहा है. स्टूडेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, टीचर्स भी काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं, बट दैट इज़ इवन द मास्टरी ओवर द कंटेंट, नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग. सो इज़ दैट गिविंग द एक्चुअल ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो, जिसकी काफ़ी काफ़ी ज़रूरत है. एफेक्टिव लर्निंग किस तरह से यहाँ पे यूज़ हो रही है, किस तरह वो एफेक्टिव लर्निंग भी की जा सकती है. तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर हु आर टेकिंग द एफर्ट्स एंड रियली रिकॉर्डिंग देयर लाइक इन अ फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट, या फिर अपनी कुछ आवाज़ में कितनी चीज़ें रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स तक चीज़ें पहुंचाते हैं. एफर्ट्स इट्स रियली रियली नीडेड ओवर देयर, जिसमें हम कहीं पे कम हैं, इसीलिए हम वही चीज़ें करते हैं जो काफ़ी ईजी हैं. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी इज़ नथिंग बट इन्वॉल्वमेंट. इट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसलेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन into another configuration, or creating some sort of scheme, or creating some sort of schema to provide a structure to this something new we want to create. So how we are going to understand what is happening in students' mind? Are they really understanding? Are they really listening the things what we are saying? If they are listening, so how much they are understanding? So are we taking the reflex ke language acquisitions mein help karne, matlab language acquisitions mein usko use karne ki koshish ki hai? Student kyun Sanskrit seekhna bahut easily pasand karte hain as compared to French ya fir German language? Keval fascination hai, केवल दुनिया की बड़ी मॉडर्न कंट्रीज़ की भाषा है इसलिए हम सीखना चाहते हैं. अगर वो समझ कर भी हम सीखना चाह रहे हैं तो क्या चीज़ें हमें उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है? रेगुलेट करने के लिए क्या हमने अपने कॉग्निशन को पहले समझा है? इसीलिए हमें स्टूडेंट के कॉग्निशन के साथ साथ खुद के कॉग्निशन को, खुद के लेवल ऑफ नॉलेज को, खुद के मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को समझना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है. तो आज के समय में हमें जो हम नॉलेज अबाउट द कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट का नॉलेज अबाउट द कॉग्निशन व्हाइल लर्निंग लैंग्वेजेस, व्हाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, व्हाइल लर्निंग फिजिक्स, व्हाइल लर्निंग हिस्ट्री क्या होगा? तो ये जो नॉलेज अबाउट द कॉग्निशन है, जिसमें हम प्रोसीजरल नॉलेज, फिर डिक्लेरेटिव नॉलेज या कंडीशनल
नॉलेज की बात करते हैं, तो ये जो नॉलेज उन तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो किस तरह हम उसको समझते हैं। एक छोटा एग्जांपल मैं लूँगी। यहाँ पे हमने हिस्ट्री पढ़ी है, शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ी है, जिसमें शिवाजी महाराज की काफ़ी ब्रेवनेस का एग्जांपल दिया है। और वो हिस्ट्री पढ़ते समय बहुत अच्छे से, झांसी की रानी की हिस्ट्री हो या शिवाजी महाराज की हिस्ट्री हो, पूरे क्लास को अगर हम लयबद्ध तरीके से पढ़ाते हैं तो वो काफ़ी क्लास इंजॉय करती है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रश्न भी आते होंगे। जैसे एक छोटा एग्जांपल, मुझे तो ये इतना आया था कि जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने दिल्ली लाया था बंदी बनाकर, उस दिल्ली लाए हुए बंदी बनाए शिवाजी महाराज ने अपने को एस्केप किया था। उसने एक बहुत अच्छी तरकीब सोची थी, उस तरकीब में उन्होंने मिठाई के डिब्बे में अपने आप को रखा और अपने बेटे के साथ अपना प्रस्थान महाराष्ट्र पुणे की तरफ किया। तो ये तो हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी शिवाजी महाराज की, जिस टीचर ने उसको बहुत बहुत एक्सप्लेन करके, बहुत अच्छा फ्लेवर डाल के, आवाज़ में ये डाल के वो डाल के एक्सप्लेन किया, बट मेरे दिमाग में ये प्रश्न बहुत दिनों तक था, किस तरह मिठाई का बक्सा जो घर पे लाया होता है वो काफ़ी छोटा होता है, शिवाजी महाराज किस तरह उस बक्से में बैठे होंगे अपने बेटे को लेकर, और किस तरह उन्होंने दिल्ली से महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान किया होगा। इतना बड़ा भी मिठाई का बक्सा बनता है जिसमें शिवाजी महाराज बैठ सकते थे। तो ऐसे काफ़ी प्रश्न हैं, ऐसे काफ़ी इंक्वायरीज होती हैं, ना ही हिस्ट्री में बट और भी बहुत सारी सब्जेक्ट्स में। तो कितने हम डिस्कवरी या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यूज़ करके हम स्टूडेंट्स को उसका आंसर ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसी को करने की, अगर हम करना है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या फिर डिस्कवरी लर्निंग या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्लास में यूज़ करने की, तब हमें कहीं पे नॉलेज खुद का नॉलेज, हमारी ब्रेन के ब्रेन का नॉलेज हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, किस तरह हम खुद सोचते हैं। तो ये जो सोचना भी है, तो ये जो सोचना है, ये सोचना भी हमें देखना होता है कि किस तरह ये सोचना हमें करना है। तो ये सोचना करते समय हम तीन तरह से करते हैं, एक तो कंडीशनिंग नॉलेज, एक दूसरा है आपका प्रोसीजरल नॉलेज और एक है आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो कंडीशनिंग नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये चीज़ हैं क्या? तो जब हम चीज़ों को हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाउ द स्टूडेंट इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, हाउ स्टूडेंट इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड द 1857 रिवॉल्ट, सो हाउ द क्वेश्चन विल कम इन आर माइंड दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द प्रोसेस, सो हाउ आई एम गोइंग टू प्लान, हाउ वॉट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू यूज इन दैट। सो जब मैं वॉट की कोशिश करती हूँ, जब मैं वॉट एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट कोशिश करती हूँ, तो दैट टाइम आई एम यूजिंग द डिक्लेरेटिव नॉलेज। दे इफ आई एम यूजिंग वेन एंड हाउ, वेन आई वॉन्ट टू यूज दिस एग्जाम्पल, वेर आई एम गोइंग टू साइड दिस एग्जाम्पल, वेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस नॉलेज, वेर आई वॉन्ट टू गो एंड चेक दिस इंफॉर्मेशन। सो इफ इन अ डे टू डे लाइफ, इवन वेन वी कैन से मेक अ प्रैक्टिस ऑफ आर ब्रेन दिस वे, जब हम हमारे ब्रेन को इस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जाकर हमारा नॉलेज अबाउट द कॉग्निशन एक्चुअल में काम करता है। ये नहीं करता, हम ये चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट के सामने खड़े होने के पहले ये थोड़ी देर के लिए तो सोचते हैं क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितना कंप्लीट होगा, इतना सिलेबस बाकी है। सो हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, प्रोसीजरल नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज और आपका कंडीशनिंग नॉलेज तो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, लेकिन आर वी मेकिंग आर स्टूडेंट यूज दोज थिंग्स वाइल अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, वाइल अंडरस्टैंडिंग द आंसर, वाइल अंडरस्टैंडिंग द राइटिंग द क्वेश्चन
और वाइल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन टू, क्वेश्चनिंग इज वेरी डिफिकल्ट स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल यूज करना क्लास में भी एक अपनी कला है, वी वोंट एबल टू, सो हाउ वी कैन ट्रेन आवर ब्रेन टू डू दिस, सो कैसे हम अपने ब्रेन को इसको इस तरह से ट्रेन कर पाएंगे, क्या चीज़ें होगी जिस तरह हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, सो हाउ मच वी आर गोइंग टू रेगुलेट आवर सेल्फ, हाउ वी कैन यूजिंग द कॉग्निटिव मॉनिटरिंग, हाउ वी कैन यूज दिस सेल्फ रेगुलेशन, सो ये जो सेल्फ रेगुलेशन वाली भी चीज़ें हैं, किस तरह हम प्लानिंग कर रहे हैं हमारी खुद की भी, जब मुझे कोई आंसर लिखना है तो मैं कितना प्लानिंग करती हूँ, कितना मुझे पढ़ाई करनी है मैं खुद को कितना प्लान करती हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने उसका एक लिस्ट बनाई है, सच में बनाई है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती मुझे, मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ मुझे नहीं समझ में आया, मुझे दो लाइनें समझ में आई उसके बाद चौथी तीसरी लाइन मुझे नहीं समझ में आई, जब मैं मैथ सॉल्व करती हूँ तो मुझे इस टीचर्स ने जो एक्सप्लेन किया था वो वाला एग्जांपल पीछे जाकर मुड़ के देखना पड़ता है, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं दैट इज़ नथिंग बट आई एम मॉनिटरिंग माई सेल्फ, आई एम रियली रेगुलेटिंग माई कॉग्निशन, बट हाउ आई एम यूजिंग दिस थिंक अलाउड इन माई डे टू डे प्रैक्टिस, आर आई एम जस्ट स्टॉपिंग ओवर देयर, और आई एम थिंक अलाउड दोज थिंग्स एंड आई एम यूजिंग दोज अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनॉमी ना ही कॉग्निशन की दो तीन पहली वाली जो क्या कहेंगे बॉर्डर्स हैं या जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे हम एप्लीकेशन या स्किल तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, उसके ऊपर एनालाइज या क्रिएट या इवेल्युएशन तक हम नहीं पहुँच पाते, तो उसमें हमें जो दिक्कतें आती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें हैं, तो किस तरह हम सेल्फ इवैल्यूएशन करना स्टार्ट करेंगे, किस तरह हम वैगोस्की की थ्योरी हम सोशल कल्चर में भी यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ना ही हम उस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझकर केवल उसका आंसर लिखकर या उस पर काफ़ी अच्छा एक स्पीच देकर हम वहीं तक रुकेंगे, किस तरह हम कोलैबोरेशन करके स्टूडेंट्स को चीज़ें समझाएंगे, किस तरह हम चीज़ों को प्रेजेंट सिनेरियो में भी यूज़ कर पाएंगे, सोशल कल्चरल में हम किस तरह चीज़ों को अगर पियाजे सॉरी वैगोस्की कहता है कि हमें ये चीज़ें करनी है, ऑटोमेटाइजेशन का यूज़ करके रिफ्लेक्शन किस तरह लर्निंग करते समय हम यूज़ करेंगे लैंग्वेजेस की, लैंग्वेज तो सीखना हमने सीखा लेकिन जब हम ऑटोमेटाइजेशन कर रहे हैं तो शब्दों को पढ़ते पढ़ते क्या हम उसका अर्थ भी समझ रहे हैं, किस तरह हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, उसका आंसर आपको आपका स्ट्रॉन्ग कॉग्निशन मिलेगा, उसका आंसर आपको जब मैं खुद को मॉनिटरिंग खुद के कॉग्निशन को मॉनिटरिंग स्टार्ट करूँगी तब मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ आई एम रेगुलेटिंग माई सेल्फ, सो हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आई एम गोइंग टू यूज़, how the way I'm going to explain the things, what the way I'm going to self-evaluate myself, ये जो self-evaluation है वो किस तरह और हम learning outcome के माध्यम से उसको और क्या से effective बना सकते हैं, क्या हमने learning output set किए हैं, क्या हमने learning output elaboration के लिए set किए हैं, क्या हमने लर्निंग आउटपुट हम काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी या ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किए हैं, किस किस चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमने लर्निंग आउटकम्स यूज़ किए हैं, सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो देयर आर मेनी थिंग्स आई रियली वांट टू शेयर विथ यू, बट आई फील मेरे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स से हम प्रेजेंट सिनेरियो में किस तरह मेटाकॉग्निशन, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह मेमोराइजेशन बढ़ाना, किस तरह डिसीजन मेकिंग या किस तरह लर्निंग की कोई भी थ्योरी इंक्वायरी हो या और भी कोई चीज़ हो यूज़ करके हमारी लर्निंग और इफ़ेक्टिव या हमारा इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, सो आई विल टेक अ पॉज ओवर हियर एंड आई विल चेक द कमेंट इफ़ देर आर एनी, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज
प्लीज पुट इट ऑन अ कमेंट बॉक्स सो आई कैन रीड इट एंड आई कैन गिव अ आई विल ट्राई टू गिव द आंसर फॉर दैट. सो इज देयर एनी क्वेश्चन? आई कॉन्ट सी सिंगल क्वेश्चन हियर. Is there any question from your side? So I think the people who are watching this, they might be activate their brain soon and they will start designing their own thinking and start engaging the mind with the sympathizing the present scenario. So I will give thanks to Somuji for giving me this opportunity to interact with you all, and I will really enjoy to share my view on this learning and cognition in present scenario with you all.